किचन, हार्ट ऑफ द होम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम हम हाउसवाइफ का निकल जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम तो किचन में ही रहता है। और इसी किचन को अगर हम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो किचन के काम में भी मन लगा रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोमा पॉल और स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल शोमास लाइफस्टाइल एंड व्लॉग्स में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं मेरी मंथली किचन क्लीनिंग रूटीन एंड ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। वैसे भी फेस्टिव सीजन आ रहा है, कुछ ही दिनों में जन्माष्टमी है और उसके बाद एक के बाद एक फेस्टिवल, पूरे घर को ही क्लीन एंड ऑर्गेनाइज तो करना ही है, तो क्यों ना शुरुआत किचन से ही किया जाए। आज मुझे किचन को डीप क्लीन करना है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी लंच तैयार कर लिया है और अभी मुझे क्लीनिंग का काम शुरू करना है। तो सबसे पहले मैंने एक भगोने में थोड़ा सा गर्म गुनगुना गर्म पानी लिया है और उसमें थोड़ा सा लिक्विड डिशवॉशर डाला है और अब मैं इसमें मेरे जो ऑयल बॉटल्स हैं, दोनों ऑयल बॉटल्स को भिगो के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए और तब तक मैं किचन काउंटर टॉप को खाली कर लूँगी। अभी मुझे काउंटरटॉप को खाली करना है, लेकिन इससे पहले मुझे देखना है कि जो भी जार खाली हो गया है उसे तो मैं वॉश कर लूँगी, लेकिन जिनके अंदर सामान है वो सारे जार मैं एक कपड़े से अच्छे से क्लीन करके पोंछ लूँगी और फिर ये सारे सामान मैं डाइनिंग टेबल पे रखूँगी और फिर काउंटरटॉप को क्लीन करना है मुझे। डेली यूज़ करने वाला मसाला मैं इस बॉक्स के अंदर रखती हूँ और मसाले के लिए जो स्पून यूज़ करती हूँ उसे मैं इस तरह से रखती हूँ। ऐसे करके रखने से ना मसाला जो है वो अंदर स्प्रेड नहीं होता, क्लीन रहता है। और यहाँ पे जो क्लीनर मैं यूज़ कर रही हूँ ये भी मैं घर पर ही बना लेती हूँ। थोड़ा सा लिक्विड डिशवॉशर, थोड़ा सा विनेगर और ज़्यादा करके पानी मिला लेती हूँ और फिर इस क्लीनर से मैं काउंटर टॉप, गैस हॉब, चिमनी सभी क्लीन कर लेती हूँ। अच्छे से क्लीन हो जाता है। ऑयल बॉटल्स के ना मुंह बहुत ही छोटा है और इसके साइज़ का छोटा सा ब्रश भी नहीं है मेरे पास, जिससे कि मैं बॉटल्स के अंदर तक क्लीन कर सकूं। वैसे इस तरह से भी क्लीन हो ही जाता है गर्म पानी से, लेकिन फिर भी अगर कभी कभी थोड़ा बहुत ऑयल इसके अंदर रह जाता है तो मैं क्या करती हूँ, एक चॉपस्टिक में टिशू लगा के फिर इसके अंदर डाल देती हूँ और अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। अप्लायंसेस को भी महीने में एक बार डीप क्लीन करना ही चाहिए। जैसे कि ये मिक्सी मशीन हो गया, इसका जार जो होते हैं उसे तो हम जब भी यूज़ करते हैं क्लीन कर लेते हैं, लेकिन इसका जो ये बॉडी है इसे हमेशा क्लीन नहीं किया जाता और ख़ास करके इसका जो ये वायर है ये बहुत ही गंदा दिखता है ज़्यादा दिनों तक अगर क्लीन नहीं किया जाता। और इस बॉडी के अंदर ये आप देख रहे हो जो गंदगी जमा हुआ है, ये जार में से जो मसाले वाला पानी निकलता है ना उससे होता है, तो इसे भी मैं एक चॉपस्टिक में टिशू लगा के क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। तो इस तरह से अगर महीने में एक बार ये सब क्लीन किया जाए तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता और मेहनत भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता, ईजीली क्लीन हो जाता है। ये
इस मिक्सी मशीन को 9 साल हो गया है यूज़ करते हुए, फिर भी कितना चमक रहा है देखिए। और अब बारी है इस इलेक्ट्रिक कैटल को क्लीन करने की, तो ये भी 3 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके जो अंदर का पार्ट है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि मैं इसमें से पानी ही गर्म करती हूँ, और बाहर का जो बॉडी है उसे मैं उसी क्लीनर से ही क्लीन कर लेती हूँ। काउंटरटॉप खाली हो चुका है, बस इस साइड को मैंने अभी तक खाली नहीं किया, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मेरी हाउस हेल्पर ये सब बर्तन क्लीन करके गई है, तो ये जब ड्राई होंगे उसके बाद ही ये बर्तन मैं ड्रायर में रखूंगी। और ये जो ब्रश है ये मैंने अमेजन से लिया है, सेट ऑफ 4 में आता है। पहले भी मैं ये ब्रश यूज़ कर चुकी हूँ, काफ़ी अच्छा है। जो ज़्यादा ज़िद्दी दाग होते हैं ना, जैसे कि दूध या चाय उबल के गिर जाता है, फिर ये जलने के बाद जो दाग रह जाता है उसे क्लीन करने के लिए ये ब्रश बहुत ही अच्छा है, अच्छे से क्लीन हो जाता है। चिमनी का ये वाला पार्ट भी मैं डेली खाना बनाने के बाद ही क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन ऊपर का जो ये हिस्सा है इसे मैं महीने में एक बार ही क्लीन करती हूँ, और ये भी मैं उसी क्लीनर से ही क्लीन करती हूँ। काउंटरटॉप को भी डेली क्लीन करती हूँ, लेकिन इस तरह से पूरे काउंटरटॉप को खाली करके क्लीन करना महीने में एक बार ही होता है। और मेरे डेली किचन क्लीनिंग रूटीन वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहो तो वहाँ से चेक कर सकते हो। मैं इस साइड को भी खाली करके क्लीन कर लूँगी, और फिर काउंटरटॉप के ऊपर जितने भी सामान थे उसे मैंने क्लीन करके इस तरह से रख दिया था। अभी ये सारे सामान भी मुझे ऑर्गेनाइज करके रखना है, और फिर जितने भी किचन के ड्रायर और कैबिनेट्स हैं उनमें भी जितने सामान हैं वो सारे सामान भी कुछ कुछ अनऑर्गेनाइज हो जाते हैं, उन्हें मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ महीने में एक बार क्लीन करके। और फिर कैबिनेट के बाहर के तरफ भी थोड़ा बहुत धूल और फिर पानी के छींटे वगैरह लग ही जाते हैं ड्रायर के बाहर भी, तो ये सब भी मैं महीने में एक बार एक कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और माइक्रोवेव को भी मंथली एक बार इस तरह से डीप क्लीन कर लेती हूँ। इस बार मेरा किचन कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था, क्योंकि मैं 2-3 महीने बाद किचन को डीप क्लीन कर रही हूँ। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी कहा था कि मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मुझे रेस्ट की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैं किचन क्लीन डीप क्लीन नहीं कर पा रही थी। नहीं तो मेरा किचन इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता जब मैं मंथली एक बार डीप क्लीन करती हूँ। तो इस तरह से अगर हम अपने किचन को महीने में एक बार डीप क्लीन करें और ऑर्गेनाइज करके रखें, तो किचन उतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा, जिसके कारण हमें मेहनत भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ें भी ख़राब नहीं होगी, और ऑर्गेनाइज रहेगा किचन, फिर हमें वहाँ पर काम करके भी अच्छा लगेगा। और थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस भी करते रहेंगे तो किचन में एक नयापन आ जाएगा, जिससे हमें किचन में ज़्यादा टाइम रहना मतलब बोरिंग सा नहीं लगेगा। मेरा ये किचन सिंक ग्रेनाइट का है, और इसे मैं रेड हार्पिक से क्लीन करती हूँ। तो जब भी क्लीन करना होता है हार्पिक दे के 1-2 मिनट के लिए रख देती हूँ, और उसके बाद बर्तन मांजने का जो स्कॉच ब्राइट होता है जो कि ख़राब हो जाता है उसे फेंकना होता है, तो उससे मैं सिंक को क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद उस स्कॉच ब्राइट को फेंक देती हूँ। क्लीनिंग के काम ख़त्म होने के बाद लास्ट में मैं जितने भी किचन के टॉवल्स वगैरह होते हैं उन्हें मैं
गर्म पानी और वॉशिंग पाउडर से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। डीप क्लीनिंग का काम चल रहा है तो गैस बर्नर को क्लीन करना कैसे भूल सकते हैं। जब रात को सारे काम ख़त्म हो जाते हैं तब एक बर्तन में गर्म पानी लेके उसमें लिक्विड डिशवॉशर विनेगर और बेकिंग सोडा मिला के बर्नर्स को भिगो के रख देते हैं रात भर के लिए। फिर मॉर्निंग में उठ के ये सारे बर्नर्स ब्रश करके थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, इससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो बस यही था मेरा मंथली किचन क्लीनिंग रूटीन और ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलता है फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।